कैसे हो दोस्तों। विंडोज 7 कंप्लीट गाइडलाइन फॉर बिगनर्स के तीसरे ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 7 में फाइल्स और फोल्डर को कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका दो तरीके हैं कि एक तो आप फाइल्स को अपने ही विंडोज़ की किसी हार्ड ड्राइव में हार्ड ड्राइव की पार्टीशन में से एक में से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर एक्सटर्नल किसी डिवाइस से, मतलब जो आप अक्सर अपनी फ्लैश ड्राइव या जिसे USB भी बोलते हैं, उससे आप डाटा कैसे कॉपी करते हो अपने सिस्टम में, या सिस्टम से वो अपनी फ्लैश ड्राइव में कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ड्राइव से कैसे एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन में कैसे कॉपी करते हैं। फ़र्ज़ करें जो सॉफ्टवेयर के नाम से मेरे पास पड़े हैं, जो काफ़ी सॉफ्टवेयर पड़े हैं, इनमें से मैं JBLC 2.20 ये वाला करना चाहता हूँ, किसी और ड्राइव में रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। इधर आपके पास दो ऑप्शन होगी, कॉपी या कट के। अगर दोस्तों इसको परमानेंटली डी में ले जाना चाहते हैं और इधर इसका कोई वजूद ना रहे, तो फिर आप कट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जो इधर भी रहे और इसके जैसा एक सेम दूसरी जगह भी मैं इसको ले जाऊं इस सॉफ्टवेयर को, तो फिर कॉपी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली ले जाएं, तो फिर कट पे करनी है क्लिक। अगर आप चाहते हैं कि इसी के जैसा उधर भी कर लूँ कॉपी, तो इधर भी जे रहे, तो उसके लिए कॉपी करते हैं। ठीक है, अक्सर हम कॉपी का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में। इधर से हमने कॉपी किया इसको डी ड्राइव से, अब इसको मैं ई ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों पेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे हम कॉपी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव से आप कैसे इसको करोगे। उसके लिए आपको मैं USB लगाने लगा हूँ। आपको इधर पहले मैं शो करवा दूं कि इधर कोई भी USB नहीं शो हो रही है या फ्लैश ड्राइव। तो अभी मैं इसको पुट करता हूँ अपने सिस्टम जे डिवाइस लागी है। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि जे इधर जो खाली है, तो वही वाला जो उधर कॉपी किया था, इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें वही वाला इधर पेस्ट हो गया। अगर आप इधर से कोई डाटा अपने सिस्टम में ले जाना चाहते हैं, तो जस्ट वही अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, और कट करना है तो कट कर लें। उम्मीद है दोस्तों आप जी लेसन अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।